अब मुख्यमंत्री हमें कह रहा है कि इस ढंग से मुआवजा लो कि हमारा कोर्ट का अधिकार छिन जाए। आर्बिट्रेशन। नमस्कार साथियों, हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर के मुआवजे को लेकर पिछले दिनों हमने एक वीडियो जारी करने का काम किया था कि हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर को लेकर बादली, बहादुरगढ़ समेत अन्य जो एरिया हैं उनका मुआवजा बढ़ाने का काम किया गया था और निर्धारित मुआवजे से 2 गुना तक मुआवजे को करने का भी काम किया गया था। लेकिन उस खबर की पुष्टि जो हमने की थी वो बिल्कुल खबर सत्य थी। सरकार मुआवजा तो बढ़ाना चाहती थी लेकिन मुआवजे को बढ़ाने की एक शर्त थी जिसे किसानों ने नामंजूर कर दिया। बात करें पीछे लगभग 3-4 महीने से भी लंबा समय हो चुका है, किसान कुंडली मानेसर पलवल केएमपी मांडोठी आसोदा टोल प्लाजा के नज़दीक धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर जो कि पलवल से लेकर सोनीपत तक कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में जो हाई स्पीड सेमी रेल का जो नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो नई लाइन बिछाई जा रही है, उसमें किसानों के लिए बहादुरगढ़ बादली के 17 गांवों का अवार्ड सुनाने का काम किया गया था। अवार्ड का मतलब होता है किसानों को मुआवजा सुनाया गया था कि 17 गांवों की ज़मीन पर अलग अलग ये मुआवजा होगा, जिसमें जाखोदा गाँव का मुआवजा सबसे ज़्यादा था। लेकिन बाकी गाँव समेत जाखोदा गाँव के किसान भी इस मुआवजे की राशि से असंतुष्ट थे और मुआवजा बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। बात करें जनवरी से भी के आसपास से मुआवजे को लेकर धरना किसानों का केएमपी टोल प्लाजा पर जारी है और 6 महीने के आसपास का समय भी हो चुका है। किसान नेता लंबे समय से बार बार मांग कर रहे हैं। पहले खाली मांग की जा रही थी, उसके बाद निर्धारित धरना केएमपी टोल प्लाजा पर दिया गया। अगर बात करें इस धरने की, इसकी अगुवाई किसान नेता रमेश दलाल के द्वारा की जा रही है और बार बार रमेश दलाल द्वारा सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि हम पिछले 6 महीने से गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे लेकिन किसान की सरकार सुनने का काम नहीं कर रही थी। पिछले दिनों किसान नेता रमेश दलाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी और कई अधिकारियों से भी मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने रमेश दलाल द्वारा बताया गया था इंट देते हुए कि मुआवजे को लगभग 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन वो फिर क्या पेच फंसा कि जो मुआवजा राशि 80-90 लाख थी वो 1.60 करोड़ तक पहुंच गई, जहां की मुआवजा राशि लगभग 1.10 करोड़ तक थी वो 2.20 करोड़ के आसपास तक पहुंच गई। तो फिर ऐसा क्या पेच फंसा कि सरकार किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई। तो अब बात करें, किसान नेता रमेश दलाल ने बताया कि सरकार ऑर्बिटेशन चाहती है। ऑर्बिटेशन का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटेशन का मतलब होता है कि जब आपकी ज़मीन सरकार खरीदती है तो सरकार एक लेटर पर साइन करवाती है जिसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। उनके अंदर साफ तौर पर लिखा होता है कि अब के बाद जब आपको यह निर्धारित जो मुआवजा आप बढ़ाकर दे रहे हैं वो जब दे दिया जाएगा उसके बाद आप कोर्ट में किसी प्रकार की भी अपील दायर नहीं कर सकते। किसान नेता रमेश दलाल ने यह कहते हुए डायरेक्ट बताया कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय कोर्ट संसद की अवमानना का काम यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि सरकार द्वारा नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट कोर्ट्स द्वारा या भारत के संविधान द्वारा हमें कुछ संवैधानिक अधिकार दिए होते हैं जिनके तहत हम अपनी ज़मीन को लेकर अपील कोर्ट में दायर कर सकते हैं और कोर्ट के आदेश अनुसार सरकार को पालन करना होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो भविष्य काल में आने वाले समय में किसी प्रकार की अपील कोर्ट में दायर नहीं कर पाएंगे। इसका खुलकर विरोध किया जा रहा है। यही मुद्दा पेच फंसाने का है। किसानों ने पिछले दिनों चेतावनी दी थी, किसानों ने बल्कि बात करें तो नेशनल हाईवे संख्या 10 को जाम करने का भी काम किया था जो कि मांडोठी केएमपी टोल प्लाजा के नीचे से क्रॉस करता हुआ दिल्ली रोहतक रोड जाता है। कुछ समय बाद जाम को खोल दिया गया, उसके बाद फिर से सरकार प्रशासन द्वारा भारी बारिश के बावजूद चेतावनी दी गई थी कि रेलवे ट्रैक जो कि दिल्ली रोहतक लाइन को हम जाम करने का भी काम करते हैं। उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल की हमने आपको फुटेज दिखाने का काम किया था जो कि आसोदा के नज़दीकी एरिया में भारी संख्या में हजारों की संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने का काम किया गया।
उसके बाद किसान नेता रमेश दलाल द्वारा पंचायत बैठाई गई। पंचायत में बात करें तो पंचायत दादा बुड्ढा मंदिर प्रांगण के सामने किसी वाटिका के अंदर दिखाने का काम किया गया। वहां पर किसान एकजुट हुए, लेकिन रेल कॉरिडोर को किसी प्रकार से नहीं रोका गया। इसको लेकर बात करें तो यहाँ पर लगभग पिछले दिनों 17 गांव की जो जमीन अधिग्रहण का मुआवजा आ था, सरकार के अनुसार उस मुआवजे की कुल राशि 340 करोड़ होनी थी, जिसमें से बादली वन, मांडोठी, जाखोदा, आसोदा, जसोर खेड़ी, नीलोठी समेत लगभग 18 से 19 गांव का मुआवजा आना है। इसी के साथ सोनीपत रेल कॉरिडोर को लेकर भी सरकार के साथ किसानों का पेच फंसा हुआ है। इस कॉरिडोर को लेकर आसपास के अगर जमीन के रेट की बात करें, कुछ किसानों का दावा है कि सरकार जो निर्धारित मुआवजा दे रही है उससे कई गुना ज़्यादा हमारी ज़मीन का रेट है, क्योंकि आसपास के एरिया में अगर प्राइवेट बिल्डर्स के माध्यम से ज़मीन को भी बेचें तो यहाँ पर मुआवजा कई गुना तक बढ़ जाता है। अगर रूल की बात करें तो जो नेशनल हाईवे का रूल होता है उसके अनुसार भी आसपास की ज़मीन का रेट काफ़ी महंगा हो जाता है, लेकिन कुंडली मानेसर पलवल को नेशनल हाईवे का दर्जा वर्तमान में प्राप्त नहीं है, उसे स्टेट हाईवे HSIIDC द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसके लिए भी ज़मीन को ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाकर दिया गया है। इस कॉरिडोर की बात करें, इस कॉरिडोर के बनने के बाद आसपास में आर्थिक गतिविधियों का आपस में कनेक्ट करने के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो किसानों की जो मांग है, किसानों की मांग क्या जायज़ है? लगातार शांतिप्रिय प्रदर्शन बिल्कुल किसानों का लगभग 5-6 महीने से चला हुआ है। इस शांतिप्रिय प्रदर्शन की बात करें तो आसपास के बादली समेत कई किसान नेता आंदोलन समर्थन इसका कर चुके हैं, और कई मुद्दे यहाँ पर आरंभ में जब सबसे पहले टोल के आसपास किसानों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया था तो वहाँ पर जमीन मुआवजे को बढ़ाने की सर्वप्रथम मांग थी। उसके बाद किसानों की मांगें समय समय पर बढ़ती गई। आज किसानों की 17-18 सूत्रीय मांग है, उसको सरकार की क्या मंशा रहेगी, क्या सरकार किसानों की मांगों को पूरा करेगी, आने वाला जल्द ही चुनाव भी आने वाले हैं, क्या चुनाव से पहले सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने का काम करेगी, और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर से जुड़े जितने भी गाँव हैं क्या उन गाँव को इसका फ़ायदा हो पाएगा, यह देखने का विषय होगा। लेकिन लंबे समय से हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों और सरकार के बीच लंबा पेच फंसा हुआ है, और जो पेच पहले एक बार निकलने के चांस थे जिसके बारे में हमने बताया था, वो ऑर्बिटेशन की प्रक्रिया के बाद बिल्कुल 0 पॉइंट पर दोबारा से आ गया है। और किसान नेता रमेश दलाल ने कहा कि तानाशाह का यहाँ पर काम हो रहा है, किसानों की बातें नहीं सुनी जा रही। लोकतंत्र में किसानों को अपनी बातें सुनाने का अधिकार है, और शांतिप्रिय तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा है उसका प्रशंसा हर क्षेत्र में देखी गई है। अब यह देखने का विषय होगा कि किसानों की अगली मांग क्या होगी, अगला कदम किसान क्या उठाएंगे, क्या हरियाणा ऑर्बिट रेल कॉरिडोर को लेकर किसानों की मांग जायज़ है। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे साझा करने का काम कर सकते हैं। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।